जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप फाइव मिक्स क्वेश्चन का पार्ट नंबर थर्ड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन कह रहा है मेरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश का नीला रंग दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। यहाँ कह रहा है कि आकाश का जो नीला रंग दिखता है उसका जो कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन है। सेकेंड कथन कह रहा है इंद्रधनुष के सात रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। थर्ड कह रहा है सूर्योदय के समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है उसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में है केवल एक कथन सत्य है, ऑप्शन दो में कह रहा है कि एक और तीन सत्य है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल दो कथन सत्य है, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि दो और तीन सत्य है। यानी कि इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य कह रहा है। तो प्रकाश का, आकाश का नीला रंग दिखने का जो कारण है वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्ध्य जो वेव लेंथ होता है उसका एकदम उल्टा होता है। यानी कि जिसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है उसका जो वेव लेंथ होता है सबसे कम होता है। तो इसमें जो होता है क्या, बैंगनी और नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका वेव लेंथ कम होता है। तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ये जो कथन कह रहा है मेरा, जो एक जो कह रहा है आकाश का नीला दिखाई देने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये एकदम सत्य है। सेकंड कह रहा है कि इंद्रधनुष के सात रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो ये कथन जो है एक मेरा गलत है। और सूर्योदय के समय प्रकाश का मतलब सूर्य का लाल दिखाई देना ये प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो कथन जो है थर्ड जो है वो सही है। तो इस प्रकार मेरा जो ऑप्शन, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक और तीन सत्य है। आपको देखिए इसमें डाउट होगा कि प्रकाश का जो सूर्योदय के समय जो प्रकाश सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है वो तरंग दैर्ध्य के कारण दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या है आपको यहाँ डाउट होगा। देखिए प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होता है क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ऐसा होता है कि सूर्य के प्रकाश को ना अधिक दूरी तय करना पड़ता है, और अधिक दूरी तय करने के कारण इसमें क्या होता है कि प्रकाश का जो तरंगों का जो होता है वो प्रकीर्णन हो जाता है, और इसमें जो लाल रंग जो होता है वही अधिक दूरी प्रकीर्णन के कारण कुछ आगे बढ़ पाता है। तो उस समय ऐसा होता है कि हमें लाल रंग दिखाई देता है। और इंद्रधनुष का जो सात रंग दिखाई देता है इसमें क्या होता है, देखिए ऐसा होता है कि वर्षा के बाद क्या होता है कि बादलों में कुछ पानी की बूंदें बच जाती है, और पानी के जो बूंदे होता है वो प्रिज्म के भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है, और उस समय क्या होता है कि यही विक्षेपण के कारण विक्षेपित होकर के एक पट्टी बनाती है जिसके कारण हमें वो सात रंगों में दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, यानी कि जीरो ग्रेविटी भारहीनता के कारण कह रहा है, माइक्रो ग्रेविटी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मोमबत्ती की जो ज्वाला होगा इसका आकार कैसा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है मोमबत्ती के ज्वाला का आकार अधिक लंबा हो जाएगा, अधिक छोटा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, या वहीं रहेगा। तो माइक्रो ग्रेविटी में क्या होता है कि मोमबत्ती की जो ज्वाला होगा उसका जो आकार हो जाएगा वो मेरा गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्रमुख खेल खो खो के में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो प्रमुख जो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की जो संख्या होता है एक पक्ष में, इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो होता है खो खो में एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की जो संख्या होता है वो कितना होता है, वो जो होता है टोटल जो होता है इसमें 9 होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मेरा ए कह रहा है 7, B, 6, C, 5। तो 7 किस में होता है, तो 7 जो होता है कबड्डी में के एक पक्ष में 7 होता है, नेटबॉल में 7 होता है, वाटर पोलो में भी 7 ही होता है, और वॉलीबॉल में 6 होता है। ठीक है, वॉलीबॉल में 6 होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा नेसियर रामला का संबंध जो है किस देश से है। ऑप्शन है मेरा इजराइल, अफगानिस्तान, सीरिया, डेनमार्क। ये क्वेश्चन छपेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेसियर रामला का जो संबंध है वो इजराइल से है। यहीं पर हाल ही में पुरातत्वविदों के द्वारा, मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के द्वारा मानव प्रजाति के खोज किया गया है, जो काफ़ी पुराना मानव प्रजाति की एक नई मानव प्रजाति का, मतलब कि यहाँ जो इतिहास में एक नया, मतलब कि एक अध्याय के रूप में इसको जोड़ा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इजराइल। ठीक है,
क्वेश्चन पाँच कह रहा है, मेरा आज का अंतिम प्रश्न है, फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज किसे दिया गया? इस पर ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड प्राइज किसे दिया गया? किशिमोतो मियो को, प्रबोध जैन को, पी साईनाथ को? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि फुकुओका पुरस्कार ये होता क्या है। तो ये जो पुरस्कार होता है तीन कैटेगोरी में दिया जाता है, ठीक है, और ये 1991 से इस पुरस्कार को दिया जाना शुरू कर दिया गया, और इसका जो स्थापना हुआ 1990 में ही हो गया था, ठीक है, लेकिन जो प्राइज जो मिला वो 1991 से मिलना शुरू हुआ। ये क्या होता है, एशियाई संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु इस पुरस्कार को दिया जाता है। टोटल जो मिलता है ये तीन क्षेत्र में मिलता है। ये जो मिलता है तो इसका जो है किशिमोतो मियो को, तो इनको जो मिला है शैक्षणिक यानी कि एकेडमिक के रूप में इनको एकेडमी प्राइज इसको मिला है, ये किशिमोतो मियो को, ये जापान के है। और प्रबोध जैन जो है ये थाईलैंड की फिल्म निर्माता है, इनको आर्ट एंड कल्चर में मिल रहा है। और पी साईनाथ जो मिला है इनको ग्रैंड प्राइज मिला है, ठीक है। तो इनका एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्रॉट जो प्रसिद्ध इनका जो यानी कि पत्रकार है इनका जो लेख था उसके लिए इनको मिला है। तो मेरा जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पाँच का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पी साईनाथ हो जाएगा। आप सबके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? ऑप्शन आपका मेघालय, गैंगटोक, दार्जिलिंग और उटकमंड है। इससे पहले हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछे हुए थे कि 27 जून 2021 को भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था, दिल्ली मेट्रो को। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।